हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू एपिसोड। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मीर को इंदू व्लॉग्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक अखाड़े से जुड़ा हुआ एक मुद्दा, जो कि आप अपने टीवी चैनल पे देख लीजिए, आप न्यूज़पेपर पे देख लीजिए, या आपके इर्द गिर्द यही बातें चल रही है कि पहलवानी में क्या हो रहा है, कुश्ती में क्या हो रहा है। तो मैं इसी के बारे में, इसी की जानकारी लेने के लिए मैं दिल्ली में आया हूँ अनिरुद्ध पहलवान जी के पास। तो आइए मैं उनसे मिलवा देता हूँ आपको। आपका स्वागत है भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार सभी दर्शकों को। तो अनिरुद्ध भाई हमारे वर्तमान के पहलवान रह चुके हैं, तो आज उन्हीं की जुबानी जानते हैं एक पहलवानी की कहानी, एक पहलवान की जुबानी। तो अनिरुद्ध भाई बताइए क्या क्या हो रहा है ये सब चीजें आजकल जो चल रही है। देखिए आजकल तो आप सब पूरा देश पूरी दुनिया देख रही है कि मुद्दा बड़ा गरम है। पहले तो काफी हद तक बहुत प्रदर्शन रहे जी। तो कुछ लोग सपोर्ट में थे, कुछ नहीं थे, लेकिन अपनी मैं सोच बता रहा हूँ कि वहां 10% भी पहलवान नहीं थे। अगर होते तो शायद इतना बड़ा प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं होती। अगर भारत देश का एक एक पहलवान वहां पहुंच जाता जी। या हरियाणा हरियाणा के पहलवान आ जाते जी। तो दिल्ली नहीं आधा हिंदुस्तान हिल जाता, वहां मोदी जी को भी आना पड़ जाता। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन कुछ सच्चाई थी या नहीं थी इसके बारे में तो देखो अभी टाइम है, तो गवर्नमेंट बताएगी, पुलिस बताएगी, केस चल रहे हैं। ठीक है, बाकी आपने सही कहा कि भाई आजकल टीवी में न्यूज में एक बढ़िया न्यूज चल रही है, ब्रेकिंग न्यूज की भाई बजरंग पूनिया पहलवान जी हमारे देश के अच्छे खिलाड़ी हैं और उनको बिना ट्रायल के लिए एशियन गेम्स के लिए उनका ट्रायल सिलेक्शन हो गया। तो मेरी भाई एक पहलवानों को देखते हुए, भाई कुश्ती को देखते हुए, तो ये एक गलत निर्णय है क्योंकि जो हमारे यूथ पहलवान है, नए पहलवान है जो बिल्कुल यूथ में, उनके साथ कई अच्छे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं जो कि दावा करते हैं कि भाई हम फाइट करेंगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ओलंपियन पहलवान है तो हारेंगे नहीं, एक दिन तो हारना पड़ेगा, एक दिन तो आएगा जब परफॉर्मेंस डाउन जाएगी। तो वो कभी अभी भी आपने देखा होगा रवि दहिया, ट्रायल में हार गए ओलंपियन पहलवान। तो ऐसा कुछ नहीं, बॉडी की परफॉर्मेंस कभी भी कम हो सकती है, बॉडी सपोर्ट नहीं करेगी, आप कितने भी अटैक कर लो नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी जीरो होगी तो क्या करोगे। तो ये तो चलो गेम की बात है, बाकी ये बहुत बेकार निर्णय था जो भी कमेटी की तरफ से था। तो हमारी तो WFI से, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से, भारत सरकार से यही गुजारिश है कि भाई ऐसा ना करें। जो नया बच्चा है, जो नए पुराने खिलाड़ी है, जो लड़के जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीत रहे हैं वो भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है। तो एक नाम मैं भी जानता हूँ, रविंद्र दहिया, एयरफोर्स में कार्यरत है, तो तगड़े दावेदार हैं बजरंग पुनिया की कैटेगरी में फाइट करने के लिए। और अगर फाइट होती है तो ये उम्मीद ऐसा हो सकता है कि भाई साथ जीत भी जाते हैं। तो यही होता है भाई, अगर अच्छे खिलाड़ी फाइट में हैं तो खिलाड़ियों का यार बिल्कुल ट्रायल कराओ, जो जीतेगा उसको निष्पक्ष लेके जाओ, चाहे क्यों मतलब इतनी सारी घमासान और तिगड़म लड़ाना। अब रोज समाचार में ये देखते हैं, दुनिया कमेंट कर रही है कि भाई इसीलिए इन्होंने प्रदर्शन किया था, तो ये नेगेटिविटी है भाई, कुश्ती के लिए भी नेगेटिविटी है और पहलवानों ने अपने आप को नेगेटिव बना लिया। अब सच्चाई क्या है वो तो गवर्नमेंट बताएगी या फिर पुलिस बताएगी या माननीय न्यायालय है जहाँ केस चल रहे वहां से सच्चाई सामने आएगी। हम और आप तो सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। तो भाई बहुत गलत निर्णय है, बहुत गलत निर्णय, क्योंकि ये बजरंग पुनिया और रविंद्र दहिया की बात नहीं भाई, जितने भी खिलाड़ी हैं ना, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, हमारी महिला खिलाड़ी इतनी बढ़िया बढ़िया लड़कियां हैं जो आजकल मेहनत कर रही हैं, तो उनके लिए भी बहुत गलत है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। निर्णय गलत था, अगर कमेटी की तरफ से था तो वापिस होना चाहिए और तरीके से बिल्कुल ओपन ट्रायल कराया जाए, जो जीतेगा, अगर बजरंग पुनिया जीतते हैं तो उनको भेजा जाए, उनका सम्मान है, भारत के अच्छे खिलाड़ी हैं, हमारे देश की शान है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं काफी सारे मेडल भी जिताए हैं तो हम भी उनका बड़ा इज्जत करते हैं। तो पर लेकिन मेरा सिर्फ मानना यही था कि हमारे जो नए पहलवान है जो उनको मतलब कि हराने की वो रखते हैं तेजना, भाई देखो तो अगर मौका मिलना चाहिए, अगर आप अच्छे खिलाड़ी हो, सीनियर हो मैं जूनियर हूँ, तो मेरा टारगेट तो आप ही हो ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो सीधी सी बात है, मैं तो आपको हराने के बाद ही आगे बढ़ूंगा, तो मैं इंतजार करूंगा कि आपकी परफॉर्मेंस कब डाउन हो, मेरी कब आई हो, सीधी सी बात है। तो हर भाई इतने खिलाड़ी हैं, इतने पहलवान है हमारे देश में, हर हर गांव में, हरियाणा यूपी पंजाब हर गांव में खड़े हैं, बढ़िया बढ़िया लड़के मेहनत कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। और रविंद्र दहिया बहुत तगड़ा शानदार लड़का है, मैंने उसकी परफॉर्मेंस बहुत बार देखी है और दावेदार है, हरियाणा से है और भाई यहाँ बीच में तो बिरादरीवाद भी चल रहा था नहीं, तो भाई बिरादरीवाद की भी देखी जाए तो रविंद्र दहिया भी जाट है, ऐसी बात तो नहीं। तो मैं खैर के बिरादरीवाद की बात नहीं कर रहा, जात पात की बात नहीं कर रहा किसी प्रकार से। तो कोई भी खिलाड़ी हो भाई, किसी भी धर्म का हो, किसी भी गांव का हो, शहर का हो, ट्रायल दो और जीतते हो तो आप जाओ। बिल्कुल,
अगर दम है तो आप जा सकते हो, लेकिन सकते दूसरे को भी चांस मिलना चाहिए ताकि वो भी मिलना चाहिए। ये जो कमेटी का बहुत गलत निर्णय है, ये खिलाड़ियों के लिए बहुत घातक है, और ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में खिलाड़ी फिर इसी का फायदा उठाने लगे कि अच्छा हमें तो ट्रायल से बचना है, धरने बैठ जाओ, नौटंकी सी होगी तो देश के मतलब कानून की धज्जियां उड़ा दी एक सेकंड में। ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए ना। कानून किस लिए भाई? कानून आपने केस कर दिया, सब कुछ हो गया तो कानून के ऊपर भरोसा रखो। भारत है, भारत सरकार है, कानून है, आपकी मंत्रियों से बात हो रही है, खेल मंत्री से बात हो रही है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। कमेटी की तरफ से अच्छा नहीं है और हम इससे बिल्कुल नाखुश है। तो अभी देखा आपने अनुज भाई हमारे नाखुश हैं, क्योंकि ये एक जायज बात भी है, क्योंकि बिना ट्रायल के आप किसी को भेज रहे हैं, वो अच्छे पहलवान है ये हम भी मानते हैं, पर लेकिन आप दूसरे पहलवान को तो मौका दीजिए कम से कम, क्या पता वो उनको हरा सकते हैं, उनके पास इतनी काबिलियत हो। तो इसलिए ये भेदभाव पहलवानी में ना करें, तो क्योंकि रेसलिंग में अगर भेदभाव चल गया तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। ये स्पोर्ट्स है, खेल है, खेल भावना से जुड़ी है। बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो आपको देखते हैं, बहुत सारे खिलाड़ी जो बजरंग पुनिया पहलवान को अपना आइडल मानते हैं, ठीक है, उनका तो मन ही टूट जाएगा, मनोबल ही गिर जाएगा कि यार अब क्या करें। ये तो ये सिलेक्टर जो बंदे मतलब ओलंपिक गोल्ड मेडल ला रहे हैं, ये इन्हीं को भेज रहे आगे, क्योंकि हमें अगर सिर्फ हमारा नंबर ही नहीं आएगा, नंबर ही नहीं आएगा किसी बच्चे का। बहुत सारी वीडियोस हैं आपने देखी होंगी, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि भाई हम अब हम क्या करें, मेहनत करने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं सुबह शाम तक अपना रेसलिंग के पे, भाई पैसा भी खर्च करते हैं, समय भी खराब करते हैं। चबाने के बराबर होता है, लोहे से रोज लड़ने के बराबर होता है। कुश्ती करना कोई आसान है, किसी भी गेम को करो आप, स्पोर्ट्स को, बॉडी बिल्डिंग, कुश्ती, एथलेटिक्स, तो रोज आपको जीना पड़ता है, रोज मरना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ऐसे नहीं खिलाड़ी बना जाता। तो भाई खिलाड़ी सारे बराबर है, पूरे देश के लिए बराबर है, और हम हर उस खिलाड़ी का सम्मान करते हैं तरीके से आप रहिए। हम भी फॉलो करते हैं बजरंग पुनिया पहलवान को, लेकिन ये फैसला बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण था, बहुत गलत था, और ये वापस होना चाहिए। तो जैसा आपने सुना अभी अनुज भाई ने हमें बिल्कुल सब चीजें अच्छी बताई है, अगर आप इस विवाद से कितना सेटिस्फाइड है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर अपने दिमाग की बात बताइए कि आप मतलब ये अच्छा फैसला है या गलत फैसला है, और क्या क्या होना चाहिए, फैसला वापसी होना चाहिए नहीं, तो एक कमेंट बॉक्स में जरूर अपना रिप्लाई करें। ये तो मेरी अपनी पर्सनल सोच है, मेरी हर इंसान की सोच अपनी रख सकता है, अपना व्यक्तिगत निर्णय। हम किसी खिलाड़ी के लिए, किसी भाई के लिए ना खिलाफ है, हो सकता है बहुत सारे भाइयों को वीडियो गलत भी लगे, नहीं कुछ भाई चाहने वाले होंगे बजरंग भाई की भी, तो हम भी भाई अभी चाहते हैं बजरंग पहलवान हमारे देश की शान है। तो ये मेरी अपनी सोच है, और एक खिलाड़ी होने के नाते जो पीछे वाले खिलाड़ी है उनके लिए कि भाई भेदभाव नहीं, ये भेदभाव है, पक्षपात है, ये नहीं होना चाहिए। अगर पहलवान फॉर्म में नहीं है तो भाई आप अगले साल तैयारी करो, अगर आपने धरने पर टाइम खराब किया है, धरने पर देख के आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ पाई, प्रैक्टिस नहीं हो पाई, तो आपको वर्ल्ड चैंपियनशिप आने वाली है, दुनिया भर के आने वाले हैं, उनकी तैयारी करके ट्रायल दो, आप आगे बढ़ो। नहीं, लेकिन अगर आपका अभी इतना वो है कि आपने भाई बिल्कुल इसी के लिए धरना दे रखा था कि हमारी ट्रायल ही ना हो, हमें डायरेक्ट भेजा जाए, तो ये बहुत गलत है। और फिर इसका मुझे लगता है कि देश के बाकी जो खिलाड़ी हैं वो समर्थन नहीं करेंगे बजरंग पुनिया पहलवान या किसी को भी, या फिर कमेटी के इस निर्णय, मतलब मैं खिलाफ नहीं हूँ, मैं सपोर्ट में हूँ, लेकिन तरीके से जाओ भाई, अच्छे खिलाड़ी हो, देश का नाम है, नाम रोशन किया है, आपसे पहले बहुत बढ़िया पहलवान गए सुशील पहलवान हमारे, तो ये लगा लो कि कुश्ती को उठाने वाले तो वही है। नहीं, लेकिन किस्मत और समय सबका एक जैसा नहीं होता, अभी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में है जी, तो उसके बारे में तो नहीं कुछ कहेंगे, बाकी बहुत गलत निर्णय है। इससे यही है कि भाई जो दूसरे पहलवान है उनका मनोबल टूटता है, उनके उनको भी मौका दिया जाए। तो अनुज भाई किसी भी पहलवान को लेकर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे, बस लेकिन एक उन्होंने बस बात बताई है कि आप किसी को बिना ट्रायल के, बिना खेल देखे जज नहीं कर सकते, आप किसी को सिलेक्शन नहीं कर सकते, बस ये दूसरे हमारे जो अभी नए बच्चे हैं, नए रेसलर हैं, तो उनको मौका दिया जाए ट्रायल करने का, ताकि वो अपनी लड़ाई लड़ सके, वो अपने से लड़ाई लड़ने के बाद वो भी, क्योंकि एशियन गेम खेलने का हर किसी का सपना होता है। सही बात है, क्योंकि आप अगर वो फिर सपना टूट जाए तो दुख होता है, तो इसलिए ऐसे ना करें। तो इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं, और आप अपने कमेंट्स हमें अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।